बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में, जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया और प्लेनर मोशन हो गया, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी के बारे में कि रिजिड बॉडी क्या है, सबसे पहले हम जानकारी देते हैं कि रिजिड बॉडी के बारे में। अब ये कोई भी रिजिड बॉडी हमारी कब होगी, तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड, क्या सॉलिड बॉडी ही हमारी रिजिड बॉडी होगी? कहे तो नहीं। अगर मान के चलो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके अंदर दो इंटरनल पॉइंट मान लो, कोई ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो। मान के चलो ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में आया, अब मोशन में आने के बाद ये दो हमारे पॉइंट बने ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज ना हो। कहते हैं यहाँ पर डिस्टेंस अगर एक्स है तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या हो, एक्स। तो यहाँ पर जब हमारा कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा दो इंटरनल पॉइंट के बीच में, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, रिजिड बॉडी। लेकिन सॉलिड और रिजिड में अंतर क्या है? सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी की बात करें, सॉलिड बॉडी तो सॉलिड बॉडी हो सकता है कि रिजिड ना हो, अब हो सकता है कि हो। तो सॉलिड बॉडी कहें तो हमारी कंप्रेस हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है ना, अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक, कहे तो कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, डिफॉर्मेबल हो सकती है, डिफॉर्म कर सकता है, डिफॉर्मेबल अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है, ठीक। लेकिन जो रिजिड बॉडी होगी वो अपनी ना तो फॉर्म को चेंज करेगा, ना ही अपने शेप और साइज को चेंज करेगा, ना ही कंप्रेस होगा। तो ऐसी बॉडी को हम क्या पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसके दो इंटरनल पॉइंट कंसीडर कर लो, अब ये दो इंटरनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, तो इसको पढ़ेंगे हम रिजिड बॉडी, अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रिजिड नहीं होगा। एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो स्टोन है, स्टोन को हम पढ़ते हैं रिजिड बॉडी, है ना, स्टोन, क्योंकि इसके अगर हम मान के चलो फोर्स लगाएं, तो इंटरनल पार्टिकल के बीच में, इंटरनल पॉइंट के बीच में कभी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, कोई भी दो पॉइंट मान लो, तो क्या बनेगा भाई, रिजिड बॉडी, ठीक। कोई डिस्क मान लो, है ना, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन, इसको अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट चेंज, दो इंटरनल पॉइंट के बीच कभी भी डिस्टेंस हमारी चेंज ना हो, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, रिजिड बॉडी। बच्चों बात कर लेते हैं कि ट्रांसलेशनल बॉडी क्या होती है, कहें तो ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। अभी ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, तो मान के चलो कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट ये दे रखा है, ठीक, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हमारा, एक ही ऑब्जेक्ट मान लो, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में आया, तो मोशन में आने के बाद दो हमने इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, दो पॉइंट हमने कोई कंसीडर कर लिए। अब ये दो पॉइंट मान के चलो ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आया, थोड़े समय के बाद मोशन में आया, मोशन में आने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो इसके दो इंटरनल जो पॉइंट हमने माने थे ए और बी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तभी तो रिजिड पड़ेंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स। अगर मान के चलो ये हमारा पाथ क्या रहे, एक दूसरे के पैरेलल, ये जो पाथ बना है दोनों पॉइंट के बीच को मिलाने वाली लाइन जो है वो अगर पैरेलल है, क्या, तो जो अगर पाथ मान के चलो पैरेलल बना, पाथ क्या हो, पैरेलल, ठीक, या कहें तो दो इंटरनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो बना है, अब ये डिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल रहे, तो इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। अभी ट्रांसलेशनल मोशन हमारा दो तरह से हो सकता है, ये हो सकता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, और ये सकता है तुम्हारा कर्विलिनियर, कर्विलिनियर। अभी कर्विलिनियर और रेक्टिलिनियर की पहचान कैसे करोगे, तो अगर मान के चलिए पाथ जो है, पाथ जो फॉलो कर रहा है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पाथ है स्ट्रेट लाइन, तब हम पढ़ेंगे क्या, रेक्टिलिनियर,
ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर। अगर मान के चलो पाथ ये बना, कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसके बीच के हमने दो पॉइंट मान ली, मोशन के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, इसके अंदर दो पॉइंट मान ली, अब क्या हुआ मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक इस तरह से आगे बढ़ा, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या रेक्टिलिनियर की बजाय हम क्या पढ़ेंगे कर्विलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाथ है पाथ हमारा किस तरह बना, कर्व फॉर्म में, तो ये जो हमारा पाथ फॉलो हो रहा है डिस्टेंस तुम्हारी क्या बनी, ये बनी, और दोनों पाथ क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या होगा कर्विलिनियर, कर्विलिनियर। ठीक, तो कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अब अच्छी बात करते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ठीक। अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारे एक पॉइंट पर फिक्स हो, हमने कोई पॉइंट मान लिया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हमारे एक पॉइंट पर बिल्कुल फिक्स हो, मान लिया हमने यहाँ पर फिक्स है, थोड़े समय के बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में आएगा, तो मोशन में आने के बाद कहीं इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, अब ये वाले पॉइंट के बाद क्या कर रहा है वो हिंज है, ये वाला पॉइंट क्या हिंज है, ये वाले के बाद क्या करेगा अभी घूमेगा रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के लिए इसके जो इंटरनल पार्टिकल हमने मान लिया, शुरुआत में मान के चलो एक पार्टिकल हमारा ये, दूसरा पार्टिकल ये, तीसरा पार्टिकल ये पार्टिकल जैसे ही मान के चलो शुरुआत में यहाँ पर थे, बाद में मोशन में आएगा तो यहाँ पहुँचेगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ, तो ये वाला पॉइंट मान के चलो ए है, ये वाला पॉइंट मान के चलो बी, ये वाला पॉइंट सी, थोड़े समय के बाद जब मोशन आए तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा और ये वाला यहाँ पहुँचेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा बनेगा पाथ जो बनेगा इस तरह से हमारा रोटेट करेगा, गोल गोल घूमेगा, अच्छा गोल गोल घूमेगा तो यहाँ तो जो पाथ जो बनेगा, पाथ दो पॉइंट के बीच मिलाने वाला जो पाथ होगा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, तो जब पाथ पैरेलल ना हो तब पड़ेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे और सारे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ही घूमेंगे, कहते तो ऑल पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में ही सारे पार्टिकल ये घूमेंगे। ठीक, किसके अबाउट, अबाउट एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही ये घूमेंगे। ठीक, अरे यहाँ पर जो लाइन बन रही है, लाइन जॉइनिंग, टू इंटरनल पॉइंट, डज नॉट रिमेन पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर पैरेलल दिख रहे हैं, पहले हमने जो पढ़ा रेक्टिलिनियर वाला या तो ट्रांसलेशनल मोशन वाला, तो यहाँ पर क्या था ये एक दूसरे के पैरेलल थे, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो पाथ बनेगा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, तो इस तरह के मोशन को हम क्या पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में हमेशा जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल्स वो हमेशा सर्कुलर मोशन करेंगे, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, क्लियर। अब बात करते हैं प्लेनर मोशन की, प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन ऐसा मोशन जहां पर ट्रांसलेशनल मोशन भी हो और रेक्टिलिनियर मोशन भी हो, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों मोशन को अगर मिला दें तो जो मोशन का टाइप बनेगा वो क्या बनेगा प्लेनर मोशन। किस तरह देखेंगे, मान के चलो ये हमारा गोल गोल कोई साइकिल का पहिया है, मान के चलो शुरुआत में यहाँ पर है, थोड़े समय के मान के चलो थोड़े समय के बाद क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, थोड़े समय के बाद यहाँ भी पहुँचेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा गोल गोल घूमेगा अपने एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर मान के चलो दो हमने कोई इंटरनल पॉइंट माने और दो इंटरनल पॉइंट हमारी ये बने एक ए और एक बी, अगर ये दोनों मान के चलो एक चक्कर उसने पूरा करा तो ये दोनों हमारे पॉइंट क्या होंगे और जो लाइन बनेगी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगी, ये चीज़ जो बताएगी वो क्या बताएगी ट्रांसलेशन। और बाद में क्या कर रहा है ये अपने एक्सिस के बाद घूम भी रहा है तो क्या बनेगा रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पर ये बनेगा ट्रांसलेशनल मोशन और यहाँ से क्या बनेगा रोटेशनल।
ठीक है, तो ऐसा मोशन जहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, प्लेनर मोशन। तो ये हमारा क्या बनेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, और ये बनेगा प्लेनर मोशन, दोनों को मिला के। ठीक, तो साइकिल का पहिया है तो क्या करता है, आगे भी बढ़ता है, कहीं तो ट्रांसलेशन मोशन भी करता है और क्या करता है, रोटेशनल मोशन भी, एक्सिस के अबाउट घूमता भी है। अब ये रोटेशनल मोशन बच्चों है, इनको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ये बच्चों ज़रूरी नहीं है रोटेशनल मोशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पॉइंट एक जगह या कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर फिक्स हो। जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये दे रखा है, ठीक, अब इसको रोटेशन मोशन कराना है तो क्या करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा तो कहीं नहीं इस तरह से ये बनेगा जाके, ठीक, इस तरह से तो घूमेगा। सेंटर ऑफ मास तो निकालना जानती होगी, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टोटल मास एक पॉइंट पर कंसिड्रेट हो उसको हम क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच में। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अब ये जरूरी नहीं कि रोटेशन मोशन के लिए हमारा कोई भी पॉइंट फिक्स हो, रोटेशन मोशन हमारा एक कहें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, फिक्स हो या ना हो तो भी रोटेशन मोशन हो सकता है। तो मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट ये दे रखा है और एक पॉइंट पर फिक्स है, अगर हमने इस तरह से रोटेट कराया तो कहीं के जाके क्या होगा, यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचने के बाद कुछ एंगल बनाएगा थीटा। अब ये वाला कहीं की थीटा है वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर सारी चीज़ें हम बात करेंगे किसकी, एंगुलर की बात ही करेंगे, क्योंकि रोटेशनल मोशन लीनियर भी हम क्या पढ़े थे। जैसे मान चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, बाद में थोड़े समय के बाद आगे पहुँचा, यहाँ पर जो मोशन का टाइप है वो क्या है, लीनियर है। तो यहाँ पर हम पढ़े थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, लेकिन यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल की सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये कहने की हमारा क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, कहें तो सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। जब ये सर्कुलर मोशन का टाइप है बच्चों, तो कहीं की हमारा क्या होगा, इस तरह से सर्कल बनेगा कोई और ये सेंटर के बाहर क्या होगा, घूमेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है सेंटर के बाहर घूमेगा। तो मानो चलो शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बाद में यहाँ पहुँच गया, एंगल कितना बना है थीटा, इसको मानो चलिए क्या है, तो ऐसे हम पढ़ें एंगल बराबर आर का अपॉन में रेडियस। रेडियस क्या बनेगी, जितना भी लंबा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से आर मान लो, यहाँ से एस बराबर क्या बनेगा, थीटा इंटू में आर। ठीक है, दोनों तरफ टाइम से जब डिवाइड करोगे, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एस अपॉन टी बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन टी और इंटू में आर। एस अपॉन टी क्या बनेगा, लीनियर वेलोसिटी, थीटा अपॉन टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू में आर। तो बी बराबर आर ओमेगा। इसमें अगर फिर से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन टी इंटू में आर। बी अपॉन टी को हम पढ़ते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, ए बराबर हो जाएगा एल्फा इंटू में आर। तो ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ पर जो ओमेगा है उसको पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसको पढ़ेंगे हम लीनियर वेलोसिटी। क्लियर, अच्छा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होंगी, लीनियर से एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ से हम एनालॉगी को समझेंगे, कौन सी हमारी एनालॉगी है, एनालॉगी एक बार एनालॉगी को समझ लो, बाकी का सब क्लियर हो जाएगा। बच्चा उधर हम पढ़ते थे क्या, लीनियर में, लीनियर में हम पढ़ते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर में क्या पढ़ेंगे, एंगुलर पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इधर हम पढ़ते थे लीनियर वेलोसिटी बी, यहाँ से जो हो जाएगा बी क्या बनेगा, ओमेगा। यहाँ पर हम पढ़े थे लीनियर एक्सीलरेशन ए, यहाँ पर बनेगा एल्फा। इधर हम पढ़ा करते थे क्या, फोर्स, फोर्स हमारा इससे क्या बनेगा, टॉर्क, क्या बनेगा, टॉर्क। ठीक, इधर हम पढ़े थे क्या, मोमेंटम, यहाँ पर भाई मोमेंटम क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर हम पढ़े थे क्या,
सॉरी इधर मास था, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर मोमेंटम, तो इधर बनेगा एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम। तो जो जो रोल हमारा उधर लीनियर में मोमेंटम का था, वही रोल यहाँ पर क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का। जो रोल उधर मास का था वही रोल इधर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जो रोल उधर फोर्स का था वही रोल इधर किसका होगा टॉर्क का। तो लीनियर एक्सीलरेशन यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन पड़ेगी, यहाँ लीनियर वेलोसिटी थी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पड़ेगी, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पड़ेगी। रिलेशन मैंने बता ही दिया है। वी इंस्टेंटेनियस की बात करें, वी इंस्टेंटेनियस, तो वी इंस्टेंटेनियस हम पढ़ा करते थे क्या डी एस अपॉन में डी टी। इसी तरह से वी एवरेज पढ़ा करते थे डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। इसी तरह से हम पढ़ेंगे ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा डी थीटा अपॉन में डी टी। इसी तरह से क्या होगा ओमेगा एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर। वी बराबर आर ओमेगा हम पढ़ ही चुके हैं। एक बात और बच्चों, जैसे मान के चलो कोई रोटेशन मोशन कर रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो जितना ज़्यादा उसका, क्योंकि बी बराबर क्या पढ़ते हैं हम आर ओमेगा, जितनी ज़्यादा उसकी आर होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी वेलोसिटी, कौन सी लीनियर वेलोसिटी, जितनी कम आर होगी उतनी कम क्या होगी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो बी बराबर आर ओमेगा हम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूले हमारे जो बनेंगे। जैसे उधर हम पढ़ा करते थे क्या ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ से डी थीटा बराबर क्या बनेगा ओमेगा इंटू में डी टी। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो थीटा बराबर क्या बन जाएगा ओमेगा डी टी, याद रखना। जैसे उधर हम पढ़े थे क्या बी बराबर डी एस अपॉन डी टी, यही पढ़ी थी। इधर जो बनेगा वो बनेगा एस अपॉन एस बराबर वी डी टी। क्लियर, फॉर्मूले सब वही रहेंगे जो लीनियर में थे वही फॉर्मूले सारे यहाँ पर रहेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा लगातार इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या होगी चेंज। तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से क्या होगी लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन, कहे तो स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी, कहे तो वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। ठीक, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों एफ सी, इसको पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमेशा होगी जो एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। एक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा तो एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी। ए सी किसके बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन आर। जब इसके हम कंपेयर करा देंगे एफ सी बराबर तो बनेगा m इंटू में a, तो m से m खत्म, a की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर दो चीज़ें काम करेंगी, एक होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी और एक लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम पढ़ेंगे ए सी, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर से पास करेगा जिसको हम पढ़ेंगे ए नेट। तो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, ए टी को हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ए सी को हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहाँ पर ए टी की वैल्यू क्या होगी, ए टी बच्चों हमेशा बी टी के पैरेलल होगा, ए टी जो बनेगा वो हमेशा बी टी के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी एक्सेलरेशन की, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ काम करता है, एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ काम करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा कौन काम करेगा एक्सेलरेशन, तो ए टी हमेशा क्या होगा बी टी के पैरेलल। ठीक, अब यहाँ पे ए टी की वैल्यू तो पता ही होगी, ए टी क्या बनेगा डी वी टी और अपॉन में डी टी। ठीक, तो ए टी आराम से निकाल लेना। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं ए नेट की, ए नेट किसके बराबर बनेगा, ए नेट, ए नेट जो बनेगा बच्चों यहाँ से देख लो, ए नेट जो बनेगा वो बनेगा रूट के अंदर ए सी स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर, कहे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री,
क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से फॉर्मूला हम पढ़ा करते थे रिजल्टेंट का, आर बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी 90 डिग्री। तो इस तरह से ए नेट क्या बनेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे एंगुलर इक्वेशन हमारे कुछ बनेंगे, जैसे मान के चलो उधर हम पढ़ा करते थे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारी कुछ इक्वेशन बनी थी, उधर क्या था v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन बनी थी, यहाँ पर यही इक्वेशन हमारी चेंज हो क्या हो जाएगी, ये v लिखा है फाइनल वेलोसिटी, तो इसको हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी कौन सी फाइनल बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस a की जगह अल्फा इंटू मिट्टी। वी स्क्वायर हमारी क्या है फाइनल, तो v फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू में एस, एस की जगह रखोगे थीटा। इसी तरह एस हमारा क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सारी की जो इक्वेशन बनेंगी वो इक्वेशन होंगी किसके लिए, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर। उधर बच्चों हम लोग पढ़ा करते थे बी बराबर, हमेशा ध्यान रखना बी बराबर डी एस अपॉन डी टी पढ़े थे, ए बराबर पढ़े थे डी वी अपॉन डी टी पढ़े थे, बिल्कुल सही बात, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, ऊपर नीचे हम डी एस से मल्टीप्लाई कराए थे, यहाँ से बनेगा डी एस अपॉन डी टी इंटू में डी वी अपॉन डी एस, डी एस अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा बी के, तो यहाँ से ए बराबर क्या मिलेगा वी डी वी अपॉन डी एस, ये इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ी थी। इसी तरह से वी क्या है कहते वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या बनेगा डी थीटा अपॉन में डी टी, ये इक्वेशन ध्यान रखना, अल्फा बराबर क्या बनेगा डी ओमेगा अपॉन में डी टी, ये इक्वेशन ध्यान रखना, अल्फा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करा दो डी थीटा से, तो अल्फा बराबर क्या बनेगा डी ओमेगा अपॉन में डी टी, या तो इस तरह लिखूं